नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 मीडिया। मेरी मौजूदगी अभी बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में। बता दें आपको कि कोर कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। वहीं बता दें आपको कि विपक्ष अब बीजेपी बन गया है। जिस तरीके से देखा जाए तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, वहीं देखा जाए तो अब बीजेपी में कौन विपक्ष का नेता बनेगा इसको लेकर बैठकें चल रही है। प्रतिपक्ष कौन बनेगा इसको लेकर बैठकें चल रही है। बता दें आपको कि तमाम बिहार के पूर्व मंत्री, तमाम वरिष्ठ नेता, देखा जाए तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से बिहार के दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, वो भी साथ में मौजूद है। तमाम बिहार सरकार में जिस तरीके से पहले मंत्री हुआ करते थे वो भी मौजूद है। देखिए जिस तरीके से एनडीए टूट गया, उसके बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, जिसके बाद विपक्ष में बीजेपी आ गया और कहीं ना कहीं बीजेपी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसके बाद बैठक चल रही है और ये निर्णय लिया जाएगा, शाम तक पता चल जाएगा कि कौन विपक्ष का नेता बनेगा, कौन प्रतिपक्ष बिहार का बनेगा। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। देखिए बीजेपी कार्यालय में मेरी मौजूदगी और कहीं ना कहीं कोर कमेटी की जो बैठक है वो हो रही है। तस्वीर आपके सामने, बिहार के तमाम मुख्यमंत्री रेणु देवी समेत तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और तमाम लोग बैठ करके कहीं ना कहीं बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर बैठक हुई है। एनडीए को भी देखा और कहीं ना कहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार की तस्वीर आपके सामने है, जहाँ पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है। तस्वीर देख सकते हैं बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, तमाम ग्रामीण विकास मंत्री या फिर देखा जाए तो बिहार के उपमुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, तमाम लोग मौजूद हैं। तस्वीर बीजेपी कार्यालय के अंदर की है, बैठक हो रही है। तस्वीरों के साथ छोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठक जो है वो शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं बैठक जो है वो लंबे समय तक चलेगी। बता दें आपको कि लगातार यह कयास लगाया जा रहा था कि विपक्ष के नेता जो हैं वो कौन बनेंगे इसको लेकर बातें चल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी बातें सामने नहीं निकल के आई है। लेकिन फिलहाल बैठक चल रही है बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में। तमाम बिहार के पूर्व मंत्री समेत बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल और तमाम पूर्व मंत्री, देखा जाए तो बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पंचायती राज मंत्री, देखा जाए तो सम्राट चौधरी समेत तमाम जो मंत्री जो रह चुके हैं वो बैठ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी विपक्ष में आ गया है। उसके बाद कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, निर्णय जो है शाम तक ले लिया जाएगा और शाम तक पता चल जाएगा कि कौन विपक्ष का जो नेता है वो बनेगा। मुख्य जो मुद्दा है उसको कौन उठाया, कौन प्रतिपक्ष का नेता बनेगा इसको लेकर बैठक हो रही है। देखिए अभी जो है 12 बजे हैं और कहीं ना कहीं 12 बजे से ये बैठक स्टार्ट हुई है, 2 से 3 घंटे ये बैठक चलेगी और शाम तक कंफर्म हो जाएगा कि कौन प्रतिपक्ष का नेता बन रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।